अनुप्रिया जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। पहला थैंक यू। तो यही क्वेश्चन है कि बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है आश्रम वेब सीरीज को और साथ ही साथ हर एक किरदार को, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे बताइए क्या कुछ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आपको डीएम्स आए हैं जो आप देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा फील हो आपको? बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, मतलब रोज काफी का यू नो काफी क्वांटिटी में डीएम्स आते हैं एंड दे ऑल हैव ब्यूटीफुल थिंग्स टू से अबाउट आश्रम, अबाउट द कास्ट, अबाउट दे हैव लव्ड नताशा'स कैरेक्टर। सबसे ज्यादा एक्चुअली वो मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं कि जहाँ आपके फैंस ने आपका काम देखा हो कॉन्स्टेंटली एंड वेन दे आर एबल टू कंपेयर टू कैरेक्टर्स और से दैट दिस then this is different and you know that those are the best messages because you feel that the audience and your audience is kind of noticing the small differences and the variety and when they call you versatile as in those are the best compliments I think but बहुत प्यार मिल रहा है आश्रम को और आश्रम की पूरी टीम को और सब लोग सबसे ज्यादा यही पूछ रहे हैं कि सेकेंड सीजन कब आएगा। एग्जैक्टली और ये बात आपने सही बोली कि जो भी ये कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि आप वर्सेटाइल एक्टर हो, और वो हो आप, हमने आपकी वर्सेटाइलिटी को देखा है। थैंक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर आश्रम की मैं बात करूँ, जब ट्रेलर निकला था तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी इसको लेकर, यू नो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे सारी चीजें, लेकिन अब जिस तरीके से वेब सीरीज रिलीज हो रही है वही लोग अब तारीफ कर रहे हैं। तो जब रिलीज से पहले अगर मैं बात करूँ तो कुछ नर्वसनेस थी लेकर की क्या होगा सारी चीजें? यू। मुझे भी बहुत थी, एक तरह से थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड भी था कि पता था कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है और एक यू नो एक फितरत है कि हम लोग बिना देखे जज कर लेते हैं चीजों को, तो उस बात की घबराहट तो थी कि क्या होगा एंड द होल आइडिया अराउंड रिलीजन, जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं इन चीजों को लेकर और उसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं लेकर एक थाली कट्टर तरीके से देखते हैं, उससे डर लगता है मुझे। एंड पर्सनली आई सीन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन पद्मावत, यू नो व्हेन थिंग्स आर कम्प्लीटली ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो इसलिए आई थिंक कमिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो नाउ आई कम टू अ पॉइंट वेयर आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन। मतलब वो एक होता है ना कि आपको लगता है कि नहीं नहीं है, इतना थोड़ी ना हो सकता है, नहीं नहीं लोग देखेंगे तो है, समझेंगे, ऑब्वियसली समझेंगे, बहुत क्लियर है। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द ऑडियंस इन फैक्ट कि उसको सही नजरिए से लिया है और वो चीजें बहुत जल्दी डाई डाउन हो गई। द मोमेंट द सीरीज केम आउट, द मोमेंट पीपल सॉ इट, दे सॉ द जेस्चर एंड द रीजन बिहाइंड इट, रादर देन मेकिंग इट अबाउट अ सर्टेन यू नो रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द कॉन्शियंस ऑफ अ ह्यूमन मैन एंड हाउ वी ऑल फॉल प्रे टू सुपरस्टिशन। True. और अनुप्रिया, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो नताशा का किरदार है, आप उस किरदार के पास पहुंची है, किरदार आपके पास आया, वो जो जर्नी है, बैक स्टोरी जरा आप शेयर करेंगे हमारे साथ? I think नताशा का जो किरदार, उसकी सबसे पहले जर्नी तो वहीं से चालू होती है कि जहाँ I met प्रकाश सर for the first time. I think my biggest takeaway from Ashram as a series is the fact that I got to work with Prakash sir as a director and my relationship that I formed with him over the course of the filming and also how I have got to know more of him and love him as a human being above anything else. And hamara jo first time discussion hua tha Natasha ko lekar, to when I read the character I had a certain idea because the way a character in the lines read, you form a certain you know graph and a certain caricature, like a you know outline of the character in your mind. But sir added so many nuances to it in the very first meeting that it just became another thing for me. It became far more exciting. It just became something that I had to explore. And I know from day one of meeting him, I was waiting to be on set to begin the journey. We've tried keeping Natasha, though uske jo jo moments hain kafi sare, wo tense situations nahi hain ki jahan kafi high stake you know इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या कुछ थीमेटिक हो रहा है या कोई मतलब टेन सिचुएशंस नहीं है उसके सारे यू नो ज्यादातर सीन, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा पेपी और स्प्राइटी रखने की कोशिश की गई है। वो एक बहुत ही खुली इंसान है जो इम्पल्सिव भी है, एक डिटेक्टिव मेंटेलिटी रखती है, मजा आता है।
तो उसकी वो जो एक उसका कैरेक्टर का यू नो फेस है उसको रखने की कोशिश की है। जी, सही बात है, सही बात है। और अनुप्रिया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब आपको क्या लगता है, जो सोशल मीडिया है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फिल्म या वेब सीरीज को हिट बनाने में या फिर फ्लॉप बनाने में, क्या आपका क्या टेक अवे है? I don't know how to answer that honestly. I think इतना ही ज्यादा क्योंकि मैटर ऑब्वियसली सोशल मीडिया करता पर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके का इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है और वो रिएक्शन कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है एट द टाइम। No, definitely it's a huge platform to influence people to make people aware of what's happening also. I think जब कोई चीज अच्छी बनती है तो एंड खासकर आज की वेब की दुनिया में ऑन यू नो बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उसके चांसेस पॉपुलर होने के काफी ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड इज गुड या इफ द कंटेंट इज गुड इट कैन हैव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन विदाउट मच ऑफ पुश इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन दैट हैड टू बी लेड आउट अराउंड अ प्रोजेक्ट बिफोर एंड दैट्स ऑन वर्ड ऑफ माउथ एंड अ ह्यूज पार्ट इज प्लेड बाय सोशल मीडिया इन दैट राइट And social media is a great tool for making people aware and, you know, have a dialogue about various things, whether be it good content or whether be it interesting episodes happening around us or talking about any societal issues. So it does play a huge role. But at the same point in time, I also think that social media comes with its own perils. Yeah. अगर वो पॉजिटिव बैठ जाता है तो बहुत पॉजिटिव बैठता है, वहीं अगर वो नेगेटिव बैठने लग जाए तो बहुत नेगेटिव बैठता है। इसके लिए आई थिंक अगर आपका कंटेंट अच्छा है और अगर आपकी आपके बनाने के इंटेंशंस अच्छे हैं एट द एंड ऑफ द डे द राइटिंग इज सॉलिड एंड द प्रेजेंटेशन एंड द डायरेक्टर एंड एवरी द होल टीम इज ऑन द सेम पेज देर आर आई थिंक बट टुडेज यू नो गॉड्स ग्रेस काफी चांसेस होते हैं दैट इट विल काइंड ऑफ have a word of mouth and carry on. Yes, yes. और ongoing scenario तो आपको पता ही होगा क्या कुछ चल रहा है। अब जो audience है, जनता है, उनका जो नजरिया है Bollywood को देखने का, वो कहीं ना कहीं change हो चुका है। अब ऐसा है कि real talent को ही वो entertain करेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये जो audience के अंदर ये change आया, आपको क्या लगता है किस तरीके का अब Bollywood के अंदर change आएगा? पहले तो ये ऑडियंस में अगर चेंज आया है वो देखना बाकी है आई थिंक यू नो वो तो तब पता चलेगा कि जब छोटी फिल्में उतना ही बिजनेस करें अपने हिसाब से जैसे कोई बड़ी फिल्म करती है जो कमर्शियल फिल्म होती है व्हेन दोस थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग व्हेन एक्चुअली ओवर अ कोर्स ऑफ कपल ऑफ मंथ्स एटलीस्ट इफ नॉट वन और टू इयर्स व्हेन द ऑडियंस रियली स्टार्ट सपोर्टिंग गुड कॉन्टेंट फॉर बींग गुड कॉन्टेंट एंड गुड एक्टिंग एंड गुड परफॉर्मेंसेज एंड वट एवर राइट then I believe we will know whether the audience have really shifted their mind frame because I definitely believe it is in their hand you know finally film business is a business also agar aap naye jo kalakar hain unko support karenge unki film mein jaake dekhenge to kyun nahi filmmakers unke sath banayenge sahi baat agar aap openly social media ki jo hum baat kar rahe the agar aap ek social media ko kisi star सोशल मीडिया पे किसी स्टार किड को उसके लॉन्च होने से पहले ही बड़ा नहीं बनाएंगे तो फिर वो प्रेशर्स बाकी सारे एक्टर्स पे क्यों आएगा? इनइक्वालिटी तो वहीं से चालू होता है ना। आई थिंक इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा उसको इनइक्वालिटी को बढ़ावा ऑडियंस और मीडिया ही देती है। फिल्म मेकर्स तो बाद में आते हैं, बाद में आते हैं। इज अराउंड दीज टू मेजर सेगमेंट्स एक्चुअली। So I think वो तो पता चलेगा but in case those things happen if the change really happens from the audience side and they really start promoting good content whether be it from anybody doesn't matter whether it's from insider or out insider or exactly it is absolutely futile for me to even say कि मैं ये नहीं मानती कि I being an outsider I don't get opportunities नहीं तो मैं आज यहाँ बैठ के आपसे बात नहीं कर रही होती you know it's very simple yes the journeys are different and the journeys are very like the difficulty amongst the two journeys is quite like the difference is quite vast but at the same point in time it's not a clear yes or no wala funda if those things happen I believe it's going to become more inclusive
इट्स गोना बिकम मोर प्योर. यू नो आवर कंटेंट एंड द वे वी प्रेजेंट आवर कंटेंट एंड द रीजंस बिहाइंड इट विल बिकम फार मोर प्योर एंड द क्रिएटर्स एंड पीपल हु आर मेकिंग द प्रोजेक्ट्स एंड यू नो कोलैबोरेटिंग टुगेदर विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट फॉर द प्योरिटी ऑफ द क्राफ्ट. अभी काफी कुछ I don't think वो भी मजा आता है यार. मतलब जो लोग यू नो बिजनेस एंगल से उनको बनाना पड़ता है कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी है. ऐसा नहीं कि उनको मजा आता है, ऐसे क्योंकि ऑडियंस ऑडियंस जिसे देखना चाहेगी तो उनके पर भी प्रेशर वही आ जाता है. एग्जैक्टली. तो अगर उनको ये लगे कि आज एक मसान को जितनी जो इतनी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी थी जहां कांस में उसको इतना यू नो बढ़ावा मिला, इंडिया में आके अगर उसको वही जब उतना इट वाज इन आई थिंक इट वाज जस्ट अबाउट मेकिंग यू नो ब्रेक इवन टू द बजट, जबकि इट वाज मेड इन वेरी थॉटफुल बजट यू नो इन द फर्स्ट प्लेस. सो देन व्हेन अ मसान डज 50 करोड़ और 60 करोड़ और 100 करोड़ फॉर व्हाट इट्स वर्थ और मे बी इवन मोर, देन ऑफ कोर्स वी विल हैव ग्रेट कंटेंट कम पोरिंग आउट. True. अनुप्रिया, अभी अगर मैं किरदारों की बात करूं, आपने जितने किरदार अभी तक निभाए वो हमेशा से अलग रहे हैं, ठीक है? तो इस किरदार के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ी या फिर कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? जितने भी मैंने स्टारकास्ट जो आश्रम के उनसे पूछे, ठंड वाली जो एक है फंडाओ की, हाँ ठंड बहुत थी, ठंड बहुत थी. ठंड तो बहुत थी और एक्चुअली मुझे अयोध्या में उतना, बिकॉज आई हैड बॉर्न इन नवंबर एंड देन आई हैड अगेन बॉर्न इन दिसंबर जनवरी एंड, तो मैं बीच में आई वॉज ट्रेवलिंग इन भूटान ड्यूरिंग न्यू ईयर्स एंड देन आई वॉज शूटिंग इन मध्य प्रदेश. तो बैक टू बैक जो मैंने वहां ठंड देखी ना वो एक डेढ़ महीना, आई थिंक नथिंग कंपेयर टू दैट. तो मुझे आई डोंट रियली इन माई हेड आई डोंट रियली कोरिलेट आश्रम विद विंटर्स पर से, बिकॉज दोज टू एक्सपीरियंसेस टू अनदर लेवल. The challenges were, as I said, that, you know, जैसे सर ने बहुत सिंपल बात कही थी मुझे जब मैं फर्स्ट डे मिली थी उनसे, कि अगर वो नताशा कुछ चीज उठाएगी भी तो यू उठाएगी, या फिर वो उठेगी तो फिर से उठेगी, लाइक देयर बी अ डिफरेंट एनर्जी इन हर बॉडी ऑल द टाइम. एंड आई एम वेरी सेटल्ड एज अ ह्यूमन बींग, यू नो आई एम फार मोर ग्राउंडेड, आई थिंक अ लॉट बिफोर डूइंग थिंग्स. सो मेनी टाइम्स माई फियर वॉज ओनली दैट that my character shouldn't come across as someone who is as thoughtful as I am, or, you know, is not the right word, as contemplative as I am as a human being. So to keep that energy alive in her in those strenuous situations and not let that seep down, that was the challenge for me. Okay. अच्छा, OTT platform की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से OTT platform एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो कर रहा है इंडिया में, और अब बड़ी बड़ी फिल्में, जो बड़ी बड़ी बजट की फिल्में हैं जो थिएटर रिलीज होने वाली थी, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है. पर आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ठीक है या फिर थिएटर ही वर्थ है, क्या वर्थ है आपके हिसाब? दोनों है, दोनों. अब मुझे लगता है कि अगर सब कुछ अच्छे से चलेगा, द वे आई थिंक, एंड आई एम नॉट द बेस्ट एक्सपर्ट इन दिस एरिया, so no, I'm saying that because I don't know whether, you know, how the business really works for the filmmakers in that sense. But what I feel would happen now is that there'll be two categories of films which will start coming out. One which will be designed for an OTT channel, and one which will be designed for the theatrical release. Because of its visuals, because of its landscape and the way the subject is. Like Padmavat, for instance, has to be a theatrical release. Of it releasing it on the OTT first, because it doesn't do justice to the subject. Now we are waiting for an 83 to come in theaters because it's meant for a theatrical release. And I think for the audiences, like for me also personally, theater always has a different charm. We can rent out of it. But at the same point in time, there'll be films now, there's going to be a lot of liberty in kind of churning content which you don't have to release in just theaters. You can even approach OTT. The OTT platforms, like, so independent films होती थी ना, जिनके उतने अब उनके लिए बहुत बड़ा opportunity है कि आप OTT पे तो उसका एक उसको एक buyer या उसको एक present करने का तरीका मिल ही सकता है, which can reach audiences of any kind.
such a mass reach. So it's very liberating. जी, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो भी शेयर कर दीजिए जो भी ऑफिशियल है. तो अभी क्रिमिनल जस्टिस 2 शूट हो रहा है, आई थिंक वो आएगा समवेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी अर्ली नेक्स्ट ईयर. आश्रम का सेकंड सीजन आने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट है. हाँ, काफी एक्साइटमेंट है. Thankfully, so that's gonna come out in a month or month and a half, I think. There's a movie that I've done with Devendu Sharma, Anand Vidhar, and many other actors like Imamul Haq and Vijendra Kala. So that movie, which has been produced by Carnival Motion Pictures, it's called Meri Desh Ki Dharti. That's gonna come out towards this end of this year. And Asur 2 ki baatein chal rahi hain. जी जी, उसको भी लेकर और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बातें चल रही हैं, वो फ्लो पे जाएंगे तब पता चलेगा. ओके ओके, हम वेट करेंगे, इंतजार रहेगा. थैंक यू सो मच अनुप्रिया हमसे बात करने के लिए, और इसी तरीके से आप अलग अलग किरदारों में हमें नजर आते हैं और एंटरटेन करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.